हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं मोइन और आप देख रहे हो गेमिंग स्पार्क यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाला हूं वन वर्सेस वन विद अननोन प्रो प्लेयर। मुझे नहीं पता कौन बंदा है, क्या करेगा। अगर नुबड़ा हो तो भाई साहब हेडशॉट मार के बेहतरीन से शॉट्स बना लेंगे, और अगर हुआ प्रो प्लेयर तो भाई साहब मज़ा आएगा फिर तो खेलने का। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चलते हैं हम अपने पहले बंदे की तरफ। ग्रुप वाल से तो लग रहा है कि नुबड़ा सा बंदा है। अभी भाई साहब बाहर निकलेगा और भाई साहब ने तो इतना डैमेज दे दिया। ओके, तो भाई साहब किधर छुपे हुए हो। मैंने डबल स्नाइपर इसलिए नहीं उठाई कि हो सकता है बंदा प्रो हो यार। अरे भाई साहब सिर्फ एक पावर छोड़ी है। अरे मैंने भी उसको इतना प्यारा हेडशॉट मारा है यार, मरा ही नहीं। पता नहीं इस रूम के साथ क्या है ये रूम इस तरह का, मतलब इसमें ना बंदे को जब मतलब हेडशॉट लगते हैं ना तो बंदे की जब एंड हुई थी सिर्फ एक पावर, 1% पावर बच जाती है और बंदा मरता नहीं 1% पावर से। पता नहीं इसको क्या, अभी अभी उसने हमको मारा था तो अभी तो मर गया भाई साहब। पहले तो नहीं मराना, पहले आपके सामने था, बिल्कुल पावर एकदम ख़त्म हो गई थी और ऐसे ईंटें टूटने वाली आवाज़ आई थी, ठीक है। और ये मरा नहीं, ये बच गया, ठीक है। तो उसके साथ भी ऐसा, मैंने उसको कितने हेडशॉट मारे वो नहीं मरा। तो इसके साथ पता नहीं मैंने वो वाला रखा हुआ है इसके अंदर, लेवल 4 का वेस्ट और हेलमेट रखा हुआ है, इसकी वजह से शायद ऐसा होता है। चलो गेम के अंदर फोकस करते हैं। भाई को मैंने 81 का हेडशॉट मारा है, अभी भाई छुपने की फिराक में। चलो बंदा अच्छा है वैसे, खेल रहा है बाहर आके भाई साहब। तो भाई साहब ज़रा सा बाहर निकलो XM8। अरे भाई साहब देखो 108 का हेड, और मुझे देखो उसने सिर्फ 4 मेरी पावर छोड़ी यार, शिट। उसने सिर्फ 4% पावर छोड़ी थी मेरी, भाई साहब क्या ही बनता है यार। देखा मैंने कहा था इस रूम के अंदर ऐसा ही होता है, लेकिन हमने एक गेम हार चुके हैं तो होपफुली हम आगे वाले गेम नहीं हारेंगे। अभी भाई साहब किधर हो, भाई पीछे भाग रहा है, मेरी वाली ट्रिक यूज़ कर रहा है भाई पीछे भाग के। ओके, तो इस बार भाई गया। ओके, तो ये पहला राउंड हम जीत चुके हैं। अभी दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं ग्लू वॉल लगाते हुए, भागते हुए फुल स्पीड के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जान। ओके, तो भाई साहब फिर से सामने आ गए हैं। ओके, भाई को कुछ भी नहीं लग रहा, मेरी ग्लू वॉल भी थोड़ी सी लेट लग रही है, पिंग थोड़ी सी हाई चल रही है। ओके, तो भाई साहब जो ही बाहर निकलेगा तो उसको मार डालेंगे। ओके भाई साहब, ओए भाई बंदा तो भाई बहुत प्रेम, मानना पड़ेगा भाई, हेडशॉट मारी जा रहा है। अरे भाई अटैक कर, बाप रे बाप, उसने मुझे 2 राउंड में गिरा दिया भाई साहब। अब मैं इसका प्रॉपर बंदोबस्त करूंगा भाई साहब। इसने मेरे ऊपर अटैक किया है, इस बार मैं Max 7 लेकर आया हूँ, Max 7। अभी जू ही वो सामने आएगा उसकी खोपड़ी उड़ा डालूंगा। अबे निकलो निकलो, अबे निकलो नूडे निकलो। ओके, तो भाई साहब निकल रहा है सामने से और हेडशॉट नहीं लगा भाई को, भाई बहुत ही प्रो फ्राक में है। ओके, तो इस तरफ से घूमते हुए जाएंगे, इस तरफ से घूमते। ये लो भाई, गया। रुक जाए 1 मिनट, स्काइलर नहीं लेके आया यार, मैं स्काइलर लेके आता तो भाई अब तक चल बसा होना था। ओके, तो अब ये भाई नहीं बचने वाला, अभी ये जाएगा भाई, ये बंदा जाएगा। अभी वो डर गया और डरने वालों पर तो मैं अटैक करता हूँ भाई साहब, डरने वालों पर। ओके, मैं पहुंच गया हूँ भाई के पास, ये लो। और ये Max 7 का लगा हेडशॉट भाई साहब, और भाई चला गया दुनिया से। तो इस तरह 4th राउंड स्टार्ट हो चुका है, नहीं 5th राउंड, मतलब 5th है। 2 वो जीत गया, 2 मैं जीत गया हूँ। तो इस बार मैं लेके आया हूँ फिर से स्नाइपर, और इस बार इसको स्नाइपर से ही धो डालूंगा भाई साहब। एक ग्लू एक शॉट, इस तरह करते करते हम भाई को ले डूबेंगे और प्रो स्नाइपर शॉट बनाएंगे। ओके, तो भाई साहब जरा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और मैं अगर 2 स्नाइपर, अगली बार 2 स्नाइपर करेंगे यार। मैं डरता रहता हूँ कोई मियन और भाई ऊपर अटैक कर दे, बट स्नाइपर से मारने का जो है ना मज़ा ही अलग है। अगली बार स्नाइपर लेके आएंगे। अरे भाई साहब ये बंदे, देखा आपने कितना बड़ा हेडशॉट मैंने मारा, देखा आपने मैंने कितना हैवी हेडशॉट मारा है उसको। 500 किसी का डैमेज है, 500 कितने का पता नहीं था यार, और भाई बच गया। मैंने कहा था इस रूम में बंदा हेडशॉट भी मार लेना, बंदे को एक चांस मिलता जरूर है, क्योंकि जो हेलमेट है ना लेवल 4 का वो बंदे को मरने से रोक लेता है। अभी भाई साहब आया हमारे पास और Max 7 थी हमारे पास, इसी वजह से Max 7 लेके आया था। ये लो भाई साहब डबल बैरल लेके हमारे सामने आ रहा है भाई डूबड़े। इस बार मैं 2 स्नाइपर लेके आया हूँ, ठीक है। अगर एक भाई एक से नहीं मरेगा तो मैं दूसरी से ठोक डालूंगा भाई को। ओके, तो अभी तक भाई ये एक लगा और ये दूसरा लगा भाई साहब, और ये तीसरी बार भाई ये गया, ये हुई ना बात भाई साहब। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब, तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार।
ओके, तो अभी मैं जो है ना, अभी मुझे पता चल गया कि अभी स्नाइपर मैंने ली थी, तो अभी भाई दूर से नहीं खेलेगा, अभी पास आएगा। तो भाई ने वैसे ही आ किया कि वो पास आ गया और मैंने उसको करीब से मार लिया। अगर मैं इस बार भी स्नाइपर लेके आता ना तो मैं नहीं खेल पाना था, क्योंकि अज्जू भाई तो हूँ नहीं, करीब से मैं स्नाइपर नहीं खेल पाता। लेकिन एक स्नाइपर होनी चाहिए और एक मैक्सिमम होनी चाहिए, करीब आए बंदा मैक्सिमम से ठोक डाले, दूर हो बंदा स्नाइपर मारे। अभी देखो वो बंदा आ गया कि भागने की कोशिश कर रहा है, वो करीब आने की कोशिश कर रहा है कि मैं करीब आके मार लूँगा। ठीक है 123, और ये एक और लग जा भाई, लग जा, रुक जा, एक और लग गया, एक आखिरी वाला एक लगा दे और। अरे भाई साहब, अब भाई को पता चल गया इस पर स्नाइपर है, वो पीछे में छुपता हुआ जा रहा है। अभी इसको ले डूबूंगा। कितने मार लिए यार, अरे भाई साहब क्या ही बोलते यार, 6 राउंड मैं विन कर चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया वाले विन किए भाई साहब, देख सकते हो आप लोग स्नाइपर के साथ। भाई ये हुई ना बात, एकदम हेडशॉट लगा भाई के। ओके तो भाई साहब अभी किधर है, आखिरी राउंड है भाई साहब, भाई हमारे सामने नहीं टिक पाया। पहले 2 राउंड भाई ने बहुत प्रोनेस दिखाई, अभी भाई हमारे सामने नहीं टिक पाया, वो अपने आप ग्रेनेड फेंकी जा रहा है। देखो नूबड़े काम, ग्रेनेड फेंकी जा रहा है अपने ऊपर ग्रेनेड फेंकी जा रहा है। वो डर गया असल में कि वो गोलियों से मुझे हरा नहीं सकता और ग्रेनेड से हरा सकता है। मैं इसको इस बार भी स्नाइपर से मार डालूंगा, तो हम ये रूम जीतने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को वायरल कर दो यार प्लीज़, कोई तो वीडियो, एक तो वीडियो वायरल कर दो यार। ये लो 8 राउंड मैं जीत चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक देख रहे हैं सब लोगों को दिल से थैंक यू सो मच।